अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ समिया जमील, सीबो ग्रुप की एडमिन एंड फाउंडर एंड सेलिब्रिटी शेफ़। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ख़ास रमज़ान विद सीबो ट्रॉली। और हमारे बहुत सारे सीबो के मेंबर्स जो कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं थ्रू आउट, उनको हमने सालों वॉच किया। कुछ लोग बहुत न्यू हैं, 2 महीने 3 महीने हुए हैं, लेकिन उनका काम रिमार्केबल है। मतलब आप उनको उनका अगर काम को देखें तो आप कहेंगे अरे यार ये तो अभी से स्टार्ट किया, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। माशाल्लाह से ग्रुप प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस पैदा हुई है, लोगों को पता चला है कि किस तरीके से काम करना है। और सीबो हिम्मत, जो हमारा प्रोग्राम हिम्मत था, उसने तो कमाल कर दिया। लास्ट जो हमने इंट्रोड्यूस कराया प्रोग्राम हिम्मत, और लोगों को इस तरह के अवेयरनेस क्लासेस दी कि लोगों के जो दिल में कौन बातें थी कि हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, हम इस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें उस तरह की अप्रोचेस और डी हमें क्लाइंट नहीं मिला, हम इस तरह रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस प्रोग्राम हिम्मत ने उनको बे इंतहा हिम्मत दी, क्योंकि उस प्रोग्राम का नाम ही हमने हिम्मत इसलिए रखा था कि हम लोगों को सपोर्ट कर सकें। और रमज़ान ट्रॉली भी, क्योंकि माशाल्लाह जो भी एजेंडा होता है हमारे सीबो प्लेटफॉर्म का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके पीछे कोई हफ्ता भर 10 दिन की मेहनत नहीं होती है, महीनों की मेहनत होती है। और जो इस वक्त हम जो वर्किंग कर रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इतने सारे विंग्स पे काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन जो है वो चीज़ें आगे आती रहेंगी। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही हैं, ताकि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने ब्रांड को फीड कर सकें। हर पौधे को पानी की नीड होती है, हर एक पौधे को सबसे पहले एक बीज की ज़रूरत होती है, तो वो बीज भी हम आपको प्रोवाइड करके देंगे और वो पानी भी हम आपको प्रोवाइड करके देंगे, सिर्फ आप अपने ब्रांड का नाम आगे बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि अपने आप में ही हिम्मत हैं, अपने बच्चों के लिए काम करती हैं, माशरे को फेस करती हैं और आगे बढ़ती हैं। वो अपने बच्चों के लिए सुपर वॉरियर्स हैं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वो अपने लिए ही एक मिसाल होती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दें। मेरे साथ हैं आज उरूज फराज, और इनके ब्रांड का नाम है द सीक्रेट स्पाइस। उनको वेलकम करते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी बस ठीक ठाक। कैसा रहा फीडबैक मदर्स वुमेंस डे के बाद? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इतने ज़्यादा मुझे फीडबैक्स मिले हैं और इतने ज़्यादा कॉल्स आए हैं कि मैं तो मतलब इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे आप लोगों को ज़्यादा खुशी होती है, मुझे लगता है कि मुझे मेरा अवार्ड मिल गया। वो एक महीनों की मेहनत थी और जब वो निकली तो बस बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो अब आप कैसे समझती हैं कि रमज़ान ट्रॉली, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हम सीबो, क्योंकि लास्ट ईयर हमें करना था और हम लास्ट ईयर नहीं कर सके क्योंकि कोविड एक्सट्रीम लेवल पे था, तो हम उस वक्त यही चाह रहे थे कि हम उसको और कैसे करें, तो हमारे डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे थे। लेकिन अभी हम लोगों ने उसको भरपूर रमज़ान के अंदर सारे एंटरप्रेन्योर्स को घसीट के निकाला कि नहीं करो, काम करना है और आगे बढ़ना है। काम करने के लिए तो रेडी है, बिल्कुल रेडी है। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, कैसा लगा? बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरवर्ड हुए हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, इतनी ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। और मैं तो कहती हूँ आप लोगों ने, आपकी टीम ने और आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई बताएं इस दफ़ा क्या आप रमज़ान में क्या लाएंगे, इतनी सारी चीज़ें? अल्लाह ही तब प्यारा लग रहा है। ये क्या पहले से स्टार्ट करते हैं? खजूर, रमज़ान खजूर के बगैर इनकम्प्लीट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टफ्ड डेट्स हैं। स्टफ किस चीज़ से? क्रीम से। क्रीम है ये, वैसे हमारे यहाँ तो क्रीम से खाई जाती है, लेकिन मेरी अम्मी जो थी वो एलमंड्स और वो नट्स के साथ बनाती थी प्रॉपर ना, तो ये क्रीम दे। ये बच्चों के लिए भी बड़ी हेल्दी है, हेल्दी बहुत है। और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये क्या है? ये है आलू के समोसे। और कितने क्यूट लग रहे हैं, मैंने अभी इतने सारे इंटरव्यूज़ किए हैं तो सबने आलू के समोसे ट्रायंगल बेसिस से बनाए थे, लेकिन ये जो बाज़ार वाले समोसे का जो एक मज़ा होता है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर, देखिए दो समोसे होते हैं जो हम बचपन से देख रहे हैं, एक आलू का जो मोटा सा होता है और जो कीमे का होता है वो पतला सा होता है। तो ये जो आलू वाला समोसा का घर में भी मिले, घर के मतलब आपके घर से फुल हाइजेनिक तरीके से, तो अच्छा लगता है। और लोगों को ये बहुत पसंद आता है, लोग ये मेरी क्यूट है, ये क्लिप आर्ट लग रहा है मुझे बल्कि। अच्छा ये पेरी बाइट्स हैं।
ठीक है, और बहुत माइल्ड सा फ्लेवर है, मतलब स्पाइसी नहीं है, बच्चे भी बहुत मजे से खाते हैं। अरे वाह जबरदस्त। और ये क्या चीजें हैं? ये है मैक्सिकन रोल्स, बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। मैं इसकी इसकी जो वो है साइज है वो भी काफी अच्छा बड़ा है और इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं जरूर ट्राई करूंगी, मुझे फाड़ दें आप, खिला खिला के सब खिला दें मुझे, हुमा जय वो मुझे, उसके बाद चूरी मेरे पर फेर दे। अच्छा ये टिक्का समोसे हैं। अरे वाह। और ये डिप है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये चाट मसाला है। अच्छा हैंडमेड, होममेड है। होममेड चाट मसाला है। ये कितने रुपए का, क्या हिसाब है इसका? ये 250 ग्राम्स है, तो 120 रुपीस। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये चटनियां हैं, ये इमली की चटनी है, ये ग्रीन चटनी विद रायता, और ये लाल चटनी, ये केचप है। अच्छा केचप। मैं वैसे होममेड केचप ज्यादा प्रेफर करती हूं। अच्छा आपने होममेड है ये? जी होममेड केचप होता है, होममेड बारबेक्यू सॉस होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ना आज इस दफा हम लोगों को इतने सारे लोग ऐसे मिले जिनके पास डिफरेंट लोग घर में चीजें बनाते, तो आपका केचप जो सबसे साफ सुथरा पता है पक्का टमाटर ही रंग नहीं है इसमें। अच्छा ये क्या है? ये पापड़ी है। अच्छा ये भी आपने खुद बनाई है? खुद बनाई है। और आपको पता है हर चीज, चना चाट हो, जो भी चाट हो, दही बड़े हो, उसके साथ पापड़ी का तो बहुत यार ये तो कॉम्बिनेशन होता है। सोचे कुछ चीजें तो हम मतलब हमारे कॉन्सेप्ट में ही नहीं है कि वो होममेड भी हो सकती है। सब पापड़ी केचप ये तो मतलब अमेजिंग ही हो गया। अच्छा ये आपके रवायती दही बड़े? ये रवायती दही बड़े ये जरूर होते हैं। ये माश की दाल की? माश की दाल। अरे वाह जबरदस्त। जो सिल पे पहले तो पीसे जाते हैं, अम्मी तो बड़ा सिल पे पिसवा दी थी हर रमजान, लेकिन मैंने ये सिल पे नहीं पीसे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा टेस्ट है। अच्छा ये आपके पैक ऑफ 6 है? जी नहीं 12 है। अच्छा पैक ऑफ 12 मैक्सिकन रोल्स है। और ये कितने कितने पर दर्जन है? 400 पर डजन। ठीक है। और ये चीजी पैटीज हैं? ठीक है, बॉक्स पैटीज हैं। इसमें चीज और बहुत अच्छा माइल्ड सा फ्लेवर है, मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं है कि बच्चे भी बहुत आराम से खा लेते हैं। ठीक है। और ये है स्प्रिंग रोल्स विद वेजिटेबल्स। अच्छा ठीक है, चिकन एंड वेजिटेबल। और ये आलू के समोसे? ये चिकन टिक्का समोसे हैं। वाह जबरदस्त। और ये है आलू के समोसे, जिसको आप सिर्फ हरी चटनी और केचप में मिला मिला के खाएं, खुद भी आलू का बोरा बन जाते यार, बन जाते हैं। ये सब अफ्तारी जो होती है ना, ये जो तड़पा रहे हैं हम लोगों को दिखा दिखा के, इनकी खुशबुएं अलग हैं, इनकी चीज़ें अलग हैं, मतलब कमाल हो जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये क्या लाई हैं आप जूस? ये है सऊदी शैंपेन। सऊदी शैंपेन। सऊदी शैंपेन, ओए ओए शैंपेन को हलाल कर दिए ना उन्होंने, सऊदी में लगा दिया नाम, सऊदी पक्का हलाल, सऊदी लगा। नहीं इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, वैसे इसमें फ्रूट्स भी होते हैं तो, लेकिन शैंपेन इसलिए क्योंकि इसका कलर ऐसा है। और इसमें फ्रूट्स जो होते हैं ना, तब उसके साथ बहुत बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। बेसिकली इसको फ्रूट्स के साथ काफ़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो है ना उसका जो फ्लेवर निकल के आता है वो बहुत अमेजिंग होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। हाँ ये रिफ्रेशिंग है, बहुत मज़े का है ये वाकई बहुत मज़े का है। आप इसकी बॉटल मंगा लें। वाह भाई ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक क्रूज, कि आप इसको और करें अपने बच्चों के लिए, और आप अच्छे जो है वो काम करें और उनके मुस्तकबिल के लिए वर्किंग करें। और बहुत सारे ऐसी माएँ हैं जो कि अपने बच्चों के लिए बेमिसाल काम कर रही हैं, जिसमें से क्रूज भी हैं। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं इनके पेज पर जाके, इनके पेज का नाम है द सीक्रेट स्पाइस, और आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक और वेंडर के साथ। अल्लाह हाफिज़।